अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ने हमें बहुत एक छोटी सी ज़िंदगी दी है और हमें आजमाइश के लिए पैदा किया है। क्यों ना हम अपनी ये जो छोटी सी ज़िंदगी है उसको हंस खेल कर खुश भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपनी ज़ुबान से किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि आप अगर कितने भी ज़िंदगी में अगर अमल कर रहे हैं, सारे अमल आपके सिर्फ इस ज़ुबान की वजह से बर्बाद हो सकते हैं। हम किसी का दिल दुखाने से पहले ये सोचें कि खुदा ने फैसला कर ज़ुबान चलाते हुए भी अगर किसी की मौत हो जाती है, तो जिस वक्त मौत होती है तो इस दुनिया का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो एक दूसरी साइड में एक दरवाज़ा खुल जाता है। कभी हमने ये सोचा कि अगर हम अपनी ज़ुबान से किसी का दिल दुखा रहे हैं तो हम जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो हम किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़े होंगे कि अल्लाह आपने हमें एक ज़िंदगी दुनिया में दी थी और हमने एक जो हमारे नफ्स का शैतान था हम उस पर काबू नहीं रख सके, ज़ुबान पर काबू नहीं रख सके, दिमाग पर काबू नहीं रख सके, और एक छोटी सी ज़िंदगी में हम इस दुनिया में हम कांटे बोकर आपके पास आए हैं। ये हमारे अच्छे अमाल हैं। हम कहने थे तो कह देते हैं कि हम अल्लाह से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दफ़ा अपने आप से पूछें कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी थी जहाँ पर बद अख़लाक़ थी, ज़ुबान से बदतमीज़ी करते थे, बद अख़लाक़ थे? बल्कि अगर ये देखा जाए तो जितने लोग मुसलमान हुए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अख़लाक़ की वजह से हुए थे। तो क्यों ना हम आज से अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें कि अल्लाह आप हमें माफ़ फरमा दीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा या मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अल्लाह के आगे रोइए, अपने लिए हिदायत मांगिए कि अल्लाह आप हमारी मदद फरमा दें कि हम इस दुनिया से ऐसे ना आए आपके पास कि इस दुनिया में हम कांटे बोकर दुनिया से जा रहे हैं और हम आपके सामने हाजिर हों ये कांटों का भरा बर्तन है और ये हमारी झोली में एक कांटों से भरे हुए हैं, ये हमारे अमाल कांटों से भरे हैं, यहाँ के नमाज भी ठीक नहीं होती, क्योंकि इंसान के करेक्टर के ऊपर सबसे बड़े इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ नमाज। अगर हमारी नमाज ठीक है तो इंशाअल्लाह उस नमाज के ज़रिए हमारे करेक्टर में फ़र्क आएगा। तो हम सबसे पहले अपनी नमाज को ठीक करें, चले अल्लाह से आज वादा करते हैं और हमारी ज़ुबान ने जितने अपने लोगों का दिल दुखाया है हम उनसे माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने गुनाह को पाक करें। अच्छा, माफ़ी मांगने का ये बहुत फ़ायदा होता है कि सबसे पहले इंसान का खुद का दिल हल्का हो जाता है, वरना क्योंकि इस कलमे में इतनी बरकत है कि जब इंसान किसी के साथ ज़ुबान से बदतमीजी करता है कि उसके ऊपर ही उसका बोझ रह जाता है, दुनिया में भी बोझ रहता है और आखिरत में ये चीज़ अपने दिमाग से भी ख़त्म कर सकते कि मेरी ज़ुबान ने किसी का दिल दुखाया है। रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा हो, लेन देन हो, कुछ भी मामला, लेकिन क्यों हम आज अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह के बाद मैं किसी का दिल नहीं दिखाऊँगा, मैं किसी का दिल दिखाऊँगा।